एपिसोड शुरू करने से पहले ही बधाई लीजिए। सुनने में आया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब डार्विन की थ्योरी भी सिलेबस से हटा दी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता में तो पहले ही काट छांट करके बदलाव कर दिए गए थे और बहुत सारे छोटे बच्चों के टेक्स्ट में तो उसको पूरा ही गायब कर दिया गया है। तो अब संभवतः हमें ये पढ़ने को मिले कि बेबीलोन की जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता है उससे भी पहले जो थी वो आर्यन सभ्यता इतनी स्टैब्लिश होकर फ्लरिश हो चुकी थी कि उसने दुनिया को सिखाया कि सभ्यता क्या होती है। तो आप लोगों के लिए अब और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हिंदू और सिंधु के बीच में सावरकर पूरी पुस्तक हिंदुत्व में हम लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। इस लिहाज से तो यदि आप सोचेंगे सिंधु घाटी सभ्यता भी आगे जाकर कहीं हिंदू घाटी सभ्यता में तब्दील ना हो जाए। वे हिंदू घाटी सभ्यता कहेंगे, लेकिन आप भी सिंधु घाटी सभ्यता पर अड़े रहना। इन्हीं सब फैक्ट्स की रोशनी में हम चर्चा को आगे लेकर चलते हैं और पिछले एपिसोड में जो हमने चर्चा करी थी उसको भी समराइज कर लेते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सबसे बड़ा रहस्य सावरकर के माध्यम से जाना, वो ये कि 1921 में जब जातिगत जनगणना हुई थी तब इन लोगों के पास, चित्तपावन ब्राह्मणों के पास, ये मौका था, ये स्वतंत्रता थी कि ये लोग हिंदू ना कहलवाकर अपने आप को आर्यन कहलवाएं। और वहां पर सावरकर ने इस बात की सख्त मनाही की है और उसका कारण उन्होंने ये दिया है कि जब तक हिंदू जो हैं अपने पुराने बल और वैभव को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक उन्हें अपने आप को आर्यन नहीं कहलवाना चाहिए। यदि वे ऐसा करते हैं तो आर्यन शब्द का स्तर जो है वो पहले के मुकाबले काफी नीचा हो जाएगा, क्योंकि ये लोग गिनती में बहुत कम हैं और हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर जो संसाधनों पर इन्होंने कब्जा कर रखा है, जो अधिकार बना रखा है, वो सारा अधिकार इनको छोड़ना पड़ जाएगा संख्या में माइनॉरिटी से भी कम होने की वजह से। तो इन सब चीजों की चर्चा जो है हमने पिछले एपिसोड में करी थी। यदि आपका ये मिस हो गया हो, इतना इंपॉर्टेंट एपिसोड, तो जरूर सुनिए स्क्रॉल डाउन करके। और अब हम यहां से चर्चा को आगे लेकर चलेंगे और जानेंगे कुछ और रहस्योद्घाटन। तो चलिए मेरे साथ, जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज का टॉपिक है हिंदू तथा हिंदुस्तान नामों की परंपरा। अब जो एपिसोड है ना, 2-3 दिन पीछे कॉलेज फेस्टिवल के चलते बैकग्राउंड में शोर बहुत ज्यादा आपको सुनने को मिलेगा, इसीलिए थोड़ा सा कंसंट्रेट आप भी करिए एपिसोड्स को लेकर। चलिए, यदि कोई शब्द चाहे वे कितनी भी पवित्र वस्तु से जुड़ा क्यों ना हो, बदलना अथवा उसका त्याग करना आवश्यक होता है, तो वे शब्द तख्त सिंह जैसे शब्द ही हैं। तो यहां पर पिछले एपिसोड में आपको याद होगा सावरकर ये समझाते हैं कि तख्त सिंह नाम के किसी व्यक्ति से वार्तालाप करते हैं, डायलॉग करते हैं कि हिंदू की बजाय आर्यन शब्द हमें क्यों नहीं लेना चाहिए। हिंदू शब्द से उनका वो मोटिव पूरा होता है जो वो करना चाहते हैं। हिंदुत्व शब्द जो है उससे इनका कोई मोटिव नहीं कंप्लीट होता, लेकिन हिंदू धर्म से इनका सारा मकसद जो है वो पूरा होता है। इसलिए हिंदू शब्द को फिर चाहे लोग इसका मतलब चोर और काले आदमी से ही क्यों ना लगाएं, इसको बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदू शब्द ने ही उन्हें वो सारी चीजें मुहैया करवाई हैं जिसको ये चाहते थे। उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। वे निर्विवाद रूप से पराये हैं तथा दूसरों की सत्ता के अवशेष हैं। विश्व प्राचीनतम वांग्मय से अर्थात वेदों से हम लोगों की जाति के लिए तथा राष्ट्र के लिए हिंदू एवं हिंदुस्तान इन्हीं मूल नामों का प्रयोग किया गया है। तो जाति इनके दिमाग से कभी नहीं जाएगी। जिन लोगों ने इन्हीं नामों को धारण किया तथा इनके लिए प्रेम भावना भी प्रदर्शित की, उन्हीं लोगों ने इन नामों का विरोध करते हुए उन्हें त्याग देना चाहिए। क्या यह विश्वास के योग्य आचरण है? यही नाम सिंधु के दोनों तटों पर निवास करने वाले हमारे देश बांधवों ने लगभग 40 शतकों तक बड़े अभिमान पूर्वक धारण किए थे। तो एक बार फिर जो है वो बहुत झूठ बोल रहे हैं। सिंधु नदी के दोनों किनारे, जैसा कि सेकेंड चैप्टर में पहले ही पैराग्राफ में सावरकर इस बात को क्लियर कर देते हैं कि ये जो अपने आर्यनवासी पारसिकों बंधु जो है इनके जाति बांधव, उनसे किसी तरीके से छुटकारा पाकर, उनके उनसे मुक्त होकर ये लोग भागकर सिंधु नदी के तट तक आए थे और वहां पर इन्होंने सिंधु नदी को पार करके भारत की धरती पर कदम रखा था। और उस सारे मुहाने को ये लोग सप्त सिंधु कहते हैं, जो 7 नदियों के संयोग से बनता है। तो ये सब चीजें जो हमने सेकंड चैप्टर की शुरुआत में ही डिस्कस करी थी।
कश्मीर से कन्याकुमारी तक तथा अटक से कटक पर्यंत का प्रदेश इसी नाम से ज्ञात था। कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से उड़ीसा तक, इसका मतलब लगाइए। सिंधुओं के अथवा हिंदुओं की जाति तथा भूमि की भौगोलिक मर्यादा इसी नाम से संचालित भी थी तथा राष्ट्र मारस्य चोत्तमम के अनुसार हम लोगों को सबसे भिन्न प्रकार का स्वतंत्र पहचान प्रदान करने वाला नाम भी यही थे। तो ये जो राष्ट्रमार्यस्म चोत्तमम शब्द है, इसके ऊपर मैंने सेकंड चैप्टर में भी आपको कहा था कि ऐसा कोई शब्द गूगल सर्च के दौरान हमें नहीं पढ़ने को मिलना है। और सिर्फ चोत्तमम शब्द के ऊपर यदि सर्च करी गई तो उस वक्त मैंने आपसे डिस्कस किया था कि केशव बेदी करके किसी का ट्विटर अकाउंट है जिसमें ये शब्द मेंशन किया हुआ हमें मिलता है, जिसमें कलिका पुराण का उदाहरण देकर यह बताया गया है कि केवल वेद मार्ग का अनुसरण करने वाला हिंदू ही मान्य है। मतलब जो एकदम विकृत मानसिकता के हैं, जो जाति व्यवस्था को बनाए रखने में ही विश्वास रखते हैं, लोगों को अछूत समझते हैं, सिर्फ वही लोग जो हैं असल मायने में हिंदू हैं, चित पावन हैं। इन्हीं नामों के कारण शत्रुओं के मन में हम लोगों के लिए द्वेष भाव विद्यमान था और इन्हीं नामों के लिए शालीवाहन से लेकर शिवाजी महाराज तक हजारों वीर युद्ध में कूद पड़े तथा उन्होंने शतकों तक इन युद्धों को जारी रखा। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि किस तरीके से, और क्रिस्टोफ जाफरोलो की पुस्तक में भी जाना था, किस तरीके से शिवाजी की मृत्यु के बाद धोखे से उनकी पूरी वंशावली को हाईजैक करके इन लोगों ने पेशवाओं की वंशावली स्थापित करी और जिन्हें ये लोग अपनी पूर्वजों की पीढ़ी में अंतिम पीढ़ी मानते हैं, उन पेशवाओं का अंत जो है 1 जनवरी 1818 के भीमा कोरेगांव युद्ध के साथ हुआ था। तो यहां पर एक फुटनोट 49 है शालीवाहन के नाम से। शालीवाहन क्या है ये हम देख लेते हैं। आंध्र के लोगों के साम्राज्य की स्थापना करने वाला सुप्रसिद्ध शककर्ता शालीवाहन ईसा संवत 130 से 198 तक इसने राज किया। रणक्षणी ध्वजा जात्या हाची शाली वाहनाने साची उडविली शंकाची शलके समरी त्याश्णा। सावरकर द्वारा रचित इस ध्वज गीत में इसी शाली वाहन को गौरवान्वित किया गया है। तो ये सब कुछ जो है सावरकर की रचना है, तो आप समझ सकते हैं इसकी ऑथेंटिसिटी क्या ही होगी, क्योंकि अब तक गूगल सर्च पर इनकी जितनी भी चीजें हैं सर्च करने पर इनकी खुद की बुक का ही रेफरेंस आता है। कहने का मतलब यह है कि इस बुक के अलावा ये कहीं और दुनिया की किसी और टेक्स्ट में मेंशन ही नहीं है चीजें। यही नाम पद्मिनी तथा चित्तौड़ की चिता भस्म पर प्रकट हुए थे। तुलसीदास तुकाराम रामदास तथा रामकृष्ण, फुटनोट 50, रामकृष्ण का मतलब है स्वामी रामकृष्ण परमहंस आदि को इसी हिंदू शब्द पर अभिमान था, जो कि सरासर गलत है। रामदास जो हैं वो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु भी थे और ये बात हमने एनाइलेशन ऑफ कास्ट यानी कि जाति का विनाश में भी पढ़ी थी, उसका जो सबसे पहला टॉपिक था उसी में इस चीज को डॉक्टर अम्बेडकर ने भी मैंशन किया है और हमने पूरा पढ़ा था कि ये कौन थे रामदास और इनकी जो है जो ग्रंथ इन्होंने लिखा है दास बोध, उसमें 20 भागों में 70,000 ओवियां यानी के मराठी छंद हैं और ये जो है ब्राह्मणवाद को स्टैब्लिश करना चाहते थे और विशेषकर महाराष्ट्र के चित पावन ब्राह्मणों में आज भी बहुत लोकप्रिय और सम्मानजनक माने जाते हैं। और इन्हीं के कंटेम्परेरी थे तुकाराम, संत तुकाराम, और उन्होंने जाति व्यवस्था का घोर विरोध किया था। लेकिन यहां पर सावरकर ने झूठ बोलते हुए उनको भी हिंदू सम्राट की तरह से मेंशन कर दिया है। हिंदू पद शाही के गुरु रामदास का स्वप्न था। शिवाजी का वह जीवन कार्य बन गया। बाजीराव तथा बंदा बहादुर छत्रसाल और नाना साहब प्रताप और प्रतिपादित्य आदि सभी का ध्येय आकांक्षाओं का वह अचल लक्ष्य था। तो प्रतिपादित्य फुटनोट 51 है जिसको मैं आपके लिए पढ़ देती हूं।
इसमें दिया हुआ है करकोट नामक राजवंश का कश्मीर का एक प्रसिद्ध हिंदू राजा, और मैंने इसके ऊपर सर्च करी थी और ये नाम मुझे कहीं नहीं मिला। ललिता आदित्य पढ़ने को मिलता है, विनयादित्य पढ़ने को मिलता है, लेकिन ये प्रतिपादित्य पढ़ने को नहीं मिलता, कहीं सर्च करने पर मेंशन नहीं है। जिस ध्वज पर ये शब्द अंकित थे उस ध्वज की रक्षा करने के लिए हाथों में खड़ग लेकर हजारों हिंदुओं ने भीषण संग्राम किए। पानीपत के युद्ध में उन्हें वीरोचित मृत्यु प्राप्त हुई, भाग खड़े हुए थे और इन्हें वीरोचित मृत्यु जो है ना वो भीमा कोरे गांव में प्राप्त हुई थी, पानीपत के युद्ध में नहीं, वहां से तो ये लोग भाग खड़े हुए थे। इतने बलिदान तथा संहार के पश्चात अथवा इसी के कारण हिंदू पदपाद शाही के लिए नाना और महद जी ने अपने राष्ट्र की नाव चट्टानों से तथा गहरे पानी से बचाते हुए इच्छित स्थान पर सुरक्षित पहुंचाई। तो पानीपत के युद्ध से लोग भाग खड़े हुए थे, मैंने पहले ही मेंशन किया। नेपाल के सिंहासन पर आसीन सम्राट से लेकर हाथों में भिक्षा पात्र लेकर भीख मांगने वाले भिखारी तथा लक्षावधि लोग इसी हिंदू अथवा हिंदुस्तान नाम के प्रति अपनी भक्ति भाव तथा निष्ठा प्रेम पूर्वक अर्पण करते रहे हैं। तो यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के लिए कितने घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया है कि भिक्षा पात्र लेकर भीख मांगने वाले भिखारी, जबकि खुद ब्राह्मण जो है वो भिक्षा टन के ऊपर जीवित रहते हैं। मंदिरों में जाइए तो जगह जगह आपको एक से ज्यादा दान पात्र मिल जाएंगे देखने को। छोटे छोटे मंदिरों में भी दो दो तीन तीन दान पात्र लगे होते हैं हर मूर्ति के आगे। इन्हीं नामों का त्याग करना हमारे राष्ट्र का हृदय ही विदीर्ण करने के समान होगा, परंतु तुम ऐसा करने से पूर्व ही निश्चित रूप से मृत हो जाओगे। यह कृत्य न केवल तुम्हारे लिए मारक सिद्ध होगा बल्कि वह अर्थहीन ही समझा जाएगा। हिंदू तथा हिंदुस्तान नामों को विस्थापित करना हिमालय को उसके मूल स्थान से हटाने के प्रयास करने के समान है। भयंकर घटनाएं और उथल पुथल करने वाला कोई भूकंप ही ये काम करने का सामर्थ्य रखता है। तो हिंदू नाम से चिपके रहना इन लोगों की मजबूरी भी है। क्यों? क्योंकि हिंदू ना हिंदू शब्द ही वे तिलसम है इनके लिए, जिसने पूरे देश भर के लोगों को इनके साथ जोड़ दिया है। अगला टॉपिक, हिंदुस्म शब्द के कारण उत्पन्न अस्त व्यस्तता। ये जरा ध्यान से सुनिएगा, खासा इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है। हिंदू तथा हिंदुस्तान ये विदेशियों द्वारा हमें दिए गए नाम हैं। ऐसा सोचकर इन नामों पर जो आक्षेप किए जाते हैं उसका खंडन कुछ अप्रिय ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत करने से किया जाना बहुत सहज है, परंतु आक्षेप करने वालों के मन में भय रहने के कारण ही ऐसा किया जाता है। वे लोग सोचते हैं कि यदि उन्होंने इन नाम को स्वीकार किया तो हिंदू धर्म इस नाम से जिन आचारों विचारों का बोध होता है वे सभी उन्हें स्वीकार रहे हैं ऐसा माना जाएगा। तो मतलब अभी जो ये गोल गोल बात कर रहे हैं ना, दो चार लाइन बाद इसका मतलब आपको समझ में आएगा, सुनिए। हिंदू कहलाने वाला प्रत्येक व्यक्ति तथा कथित हिंदू धर्म पर विश्वास करता होगा इसी भय के कारण, विद इन ब्रैकेट ये भय स्पष्ट रूप से कभी प्रकट नहीं किया जाता, ये नाम पराये लोगों द्वारा नहीं दिए गए हैं, इस वास्तविकता को वे स्वीकार नहीं करते। इस प्रकार का भय सर्वथा काल्पनिक नहीं होता, परंतु जो स्वयं को हिंदू नहीं कहलाना चाहते हैं उन लोगों को इस भय को स्पष्ट शब्दों में प्रकट करना चाहिए। तो ये इनडायरेक्ट वे में जो है डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर मुझे लगता है निशाना साध रहे हैं, क्योंकि उस वक्त भी डॉक्टर अंबेडकर जो है इस चीज को तेजी से कर रहे थे। धर्म परिवर्तन को लेकर उनकी जो सर्च है ना वो लगातार चल रही थी, और 1916 में उनका सबसे अहम जो आर्टिकल था एमए करने के दौरान कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो आ चुका था और छप चुका था, जिसमें इन सब चीजों के ऊपर चर्चा की गई थी। संभ्रम उत्पन्न करने वाले आक्षेपों में इसे छिपाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, इससे आपके विचार अधिक स्पष्ट हो जाएंगे। हिंदुत्व तथा हिंदू धर्म इन शब्दों में दिखाई देने वाली समानता के कारण हम लोगों के अच्छे अच्छे विद्वान हिंदू बांधवों के मन में भी अलगाववादी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में जाना था कि
कुछ लोग जो है ऐसा सोचने लगे थे कि हमें आर्यन के तौर पर अपने आप को जातिगत जनगणना में लिखवाना चाहिए, और सावरकर ने मना कर दिया था कि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि हमें अपना स्तर बनाए रखना है और पुराना वैभव हमें वापस लेना है तो हमें अपने आप को आर्यन बिल्कुल नहीं कहलवाना चाहिए जब तक कि हम सब कुछ हथिया ही ना लें। इन दो शब्दों का मूलभूत भेद हम शीघ्र ही स्पष्ट करने वाले हैं। यहां एक बात स्पष्ट रूप से कहनी होगी कि विदेशियों द्वारा जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह शब्द हिंदुइज्म विदिन ब्रैकेट हिंदू धर्म इस अर्थ से, परंतु इस संबोधन के कारण हम लोगों के विचारों में गड़बड़ी उत्पन्न होने का कोई कारण नहीं दिखाई देता। कहने का मतलब है कि ये लोग जैसे है ना लकीर के फकीर हैं। स्वतंत्र धर्म ग्रंथ के रूप में वेदों को भी न मानने वाला व्यक्ति भी पूर्णतः हिंदू हो सकता है। तो अब तक हमने जो भी कुछ पढ़ा उसका सार यही है कि कोई अपने आप को कितना भी हिंदू माने या ना माने वो भी हिंदू ही है। डॉक्टर अंबेडकर जो है वो धर्म परिवर्तन का सोचते थे, वेदों को खारिज करते थे, और यहां सावरकर इसलिए स्पष्ट तौर पर लिख रहे हैं कि चाहे वह धर्म ग्रंथों को ना माने, चाहे वो वेदों की अवमानना करे, लेकिन वो रहेगा हिंदू ही। जैन लोगों का उदाहरण इस बात का पर्याप्त प्रमाण है। ये जैन बांधव पीढ़ी दर पीढ़ी स्वयं को हिंदू कहलाते हैं तथा दूसरे किसी भी नाम से संबोधित किए जाने पर उनकी भावनाओं को दुख पहुंचता है। सरासर झूठ है, जैन जो है वो एक अलग धर्म है। यह बात केवल एक वास्तविकता होने के कारण यहां प्रस्तुत की गई है। इस विषय की संपूर्ण छानबीन करने के पश्चात हमारे कथन का निष्कर्ष क्या है इसे ज्ञात करते समय किसी प्रकार का पूर्वग्रह दूषित भय नहीं होना चाहिए। अभी तक के विवेचन में हमने किसी एक विशिष्टिज्म का विदिन ब्रैकेट धर्म का विचार नहीं किया है। ये बात पे आप जरा गौर कीजिए क्योंकि ये बात अगला रहस्य उद्घाटन में कर रहे हैं। दोबारा रिपीट करती हूं, अभी तक के विवेचन में हमने किसी एक विशिष्टिज्म का विदिन ब्रैकेट धर्म का विचार नहीं किया है, केवल हिंदुत्व और उसके राष्ट्रीय जातीय तथा सांस्कृतिक अंगों का विचार ही हमारे विवेचन का प्रमुख विषय था। तो हिंदू धर्म नाम की कोई चीज नहीं है, वो लोगों को लॉलीपॉप पकड़ाना, जिसे कहते हैं ना बच्चा समझ के चुप कराने के लिए मुंह में लॉलीपॉप ठुसा दो, बस हिंदू धर्म का वही मायने है। एक्चुअल चीज तो हिंदुत्व ही है। डॉक्टर अंबेडकर ने फिलॉसफी ऑफ हिंदुज्म में इसको बड़े अच्छे से समेटा था। पूरी बुक मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन जितनी भी पढ़ी है उससे काफी कुछ समझ में आता है। आप लोगों को भी जरूर पढ़नी चाहिए। सावरकर की इसी हिंदुत्व को लेकर शायद डॉक्टर अंबेडकर ने उसे लिखा है। तो और वैसे भी गूगल पर यदि आप हिंदुज्म या इसका हिंदुइज्म के ऊपर सर्च करेंगे तो इस शब्द का जो मतलब है ना वो है कि हु फाउंडेड हिंदुइज्म, अगर आप करेंगे तो उसमें आएगा अनलाइक अदर रिलीजन्स हिंदुइज्म हैज नो वन फाउंडर बट इंस्टेड ऑफ फ्यूजन ऑफ वेरियस बिलीव्स। BC 1500 The Indo-Aryan people migrated to the Indus Valley and their language and culture blended with that of the indigenous people living in the region. तो हिंदू धर्म या हिंदुइज्म जो है वो किसी एक व्यक्ति को स्थापित किया हुआ नहीं है। समय समय पर लोग आते गए, इसमें एड ऑन होता गया, और इनकी जो धर्म पुस्तकें हैं वो भी कोई एक समय में बैठकर एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखी गई हैं। ये समय समय पर लोगों ने इसमें एड ऑन करना शुरू किया है और होते होते आज ये इतना बड़ा विस्तार पा गया है। और मैं आपको बार बार जो है वो भारत एक खोज का फर्स्ट एपिसोड मेंशन करती हूँ, उसे भी यहाँ पर एक बार फिर मेंशन कर देती हूँ, जिसमें बतौर नरेटर ओमपुरी कहते हैं कि ये लोग अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं आए थे। यहाँ की जो देवी देवताओं की पूजा है, जो मंदिर देवालय हैं, वो सब जो है हिंदुओं ने आर्यन लोगों ने यहीं पर आकर सीखा है।
इन लोगों की परंपरा में ये सब चीजें नहीं थी। और हिंदुज्म में भी यही बात आपको पढ़ने को मिलती है कि यहाँ के जो आदिम जनजातियां थीं उनके साथ जो इनका संपर्क हुआ और जो संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ, उन सब का मिक्सचर है ये हिंदुज्म। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड मैं विराम देती हूँ। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, और यदि नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक सेपरेट एपिसोड हिंदुज्म फिलॉसफी के ऊपर बना सकूं। उसके लिए बहुत सारा सर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सब्र रखिएगा, मैं भी सर्च करूंगी और फिर आपके सामने जो फैक्ट्स हैं वो लेकर आ पाऊंगी। इसी के साथ मुझे आगे दीजिए, लेकिन अम्बेडकर नामा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी इन वीडियोस को स्प्रेड करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।